के आगे का हम देखेंगे 219 में, उसी चैप्टर के आगे का सेकेंड चैप्टर का कंटिन्यूएशन। तो ऑल पैरेलल्स आर एट द इक्वल डिस्टेंसेस एंड ईच अदर। अब जितनी भी पैरेलल्स जो ड्रॉ होती है उनका सबका जो डिस्टेंस होता है वो बराबर बराबर की मात्रा में होता है। लाइक पैरेलल लाइंस, द पैरेलल्स ऑन लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल्सो डू नॉट मीट ईच अदर। अब पैरेलल्स की तरह ही जो ये लैटिट्यूड्स होते हैं वो भी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड्स, अब लैटिट्यूड्स कितने होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर लेबल्ड इन डिग्रीज रिटन एज जीरो डिग्री। अब लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स जो होती है वो डिग्रीज में हमेशा लिखी होती है, जैसे यहाँ पे दिया है जीरो डिग्री, उसी तरह से वो डिग्रीज में मेंशन रहता है। द इक्वेटर इज एट जीरो डिग्री। अब हम इक्वेटर को अगर देखेंगे तो इक्वेटर जो है वो जीरो डिग्री से शो होता है। एंड द अदर पैरेलल्स आर मार्क्ड फ्रॉम जीरो टू 90 डिग्री, और बाकी की जो पैरेलल्स होती है वो जीरो डिग्री से शुरू होती है और 90 डिग्री पर ख़त्म होती है। द पैरेलल्स आर ऑल्सो मार्क्ड एस एन और एस। अब ये जो पैरेलल लाइंस होती है वो कभी कभी एन और एस से भी दर्शाई जाती है। एन मीन्स नॉर्थ एंड एस मीन्स साउथ अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन अपार्ट फ्रॉम देयर वैल्यू। अब उनकी लोकेशन यानी उनका जो स्थाई है वो किस तरह से है वो उसके बारे में उसका जो उसकी जो वैल्यू है वो हमको पता चलती है। द नॉर्थ पोल इज रिटन एज अ 90 डिग्री एन। अब जो नॉर्थ पोल यानी ऊपर का भाग होता है उत्तरी भाग, उसे हम एन लिखते हैं और 90 डिग्री। द साउथ पोल इज रिटन 90 डिग्री एस। अब जब साउथ पोल है यहाँ पे अगर रहेगा तो यहाँ पे 0 डिग्री ऐसे 90 डिग्री एंड एस लिखा रहेगा। देर आर 90 पैरेलल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 90 पैरेलल्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब इसी से हमको पता चलता है यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, तो नॉर्थ और साउथ दोनों ही डायरेक्शन में 90 डिग्रीज बनते हैं। तो जो नॉर्थ की तरफ होता है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर काउंट करते हैं, जो साउथ की तरफ होता है उसे हम सदर्न हेमिस्फीयर काउंट करते हैं। द पैरेलल्स आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। अभी जितनी भी पैरेलल्स इसके बीच की जो लकीरें होती हैं उनका डिस्टेंस 1 डिग्री में काउंट होता है, यानी एक एक डिग्री का डिस्टेंस होता है बीच में। इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स, अब इनमें से कौन सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है यानी जिसका काम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यू ऑलरेडी नो अबाउट द इक्वेटर। हम इक्वेटर के बारे में पहले ही जान गए हैं कि इक्वेटर क्या है, जो मीडिएटर या मिड की जो लाइन होती है ये रही इक्वेटर, येलो से की हुई है जो। तो अब यहाँ पे नॉर्थ पोल दिया है, नॉर्थ पोल यानी वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री एन। साउथ पोल यानी यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री एस। देर आर फोर अदर इम्पोर्टेंट पैरेलल्स, दे आर कॉल्ड। अब जो चार अलग और चार इम्पोर्टेंट पैरेलल्स होते हैं जिनको हम जानते हैं या जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, वो चार कौन से हैं अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी ऊपर। अब ऊपर की तरफ ये वाली जो रेड लाइन है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये जो है 23.5 डिग्री साउथ यानी कि नीचे, तो ये हो जाएगी अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। आर्कटिक सर्कल, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स ये बीच वाली जो हो गई नॉर्थ की तरफ, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये वाली हो गई, एंड ये जो एकदम छोटी सी है लास्ट वाली लाइन है छोटी छोटी, तो ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ ये आर्कटिक सर्कल कंसिडर होगी, और साउथ की तरफ ये जो पतली सी लकीर दिख रही है रेड वाली ये हो जाएगी एंटार्कटिक सर्कल। तो अब इनका मेजरमेंट भी ब्रैकेट में दिया है, ये 23.5 डिग्री की होती हैं ये वाली, और जो छोटी वाली होती हैं इसको हम कंसिडर करते हैं 66.5 डिग्री। तो अब इन दोनों को मैचअप जब करोगे आप 66 एंड 23 तो ये हो जाएंगी 90, और वही सेम चीज़ हमने पहले पढ़ी है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 90 डिग्री का ही होता है। तो इस तरह 90 डिग्री नॉर्थ में जाएगा, 90 डिग्री साउथ में आएगा। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, अब लॉन्गिट्यूड के जो मेरिडियंस होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। Do you see another set of lines? अब क्या तुम्हें और भी कुछ लाइंस का सेट दिखाई दे रहा है? Which run from north to south on the globe?
जो कि नॉर्थ से साउथ की दिशा में ग्लोब में दिख रहा हो. यस, दिस लाइन्स आर नोन एज द मेरिडियंस और द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड. अब ये जो पतली पतली लाइनें हैं इनको हम बोलते हैं लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड या फिर मेरिडियंस. मेरिडियंस आर इमेजनरी लाइन्स दैट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. यही जो लाइनें हैं ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं. देखिए ऐसी बहुत सारी लाइनें जुड़ी हुई हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, मेरिडियंस. फैक्ट्स अबाउट मेरिडियंस और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड. अब इनकी हकीकत या इनकी सच्चाई क्या है. ऑल मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ. जितनी भी मेरिडियंस जितनी भी लाइनें होती हैं इनका सबका मेजरमेंट एक ही होता है. मेरिडियंस हेल्प टू मेजर डिस्टेंसेस इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. अब ये हमारी क्या सहायता करती हैं कि ईस्ट से वेस्ट के बीच का जो दूरी है उसके बारे में हमें बताती हैं. मेरिडियंस कट पैरेलल्स एट राइट एंगल्स. अब ये जितनी भी मेरिडियंस हैं वो कट करती हैं राइट एंगल्स को. राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री हाफ को. द लॉन्गिट्यूड्स डू नॉट रन पैरेलल टू ईच अदर. ये कभी भी एक साथ एक दूसरे को पैरेलल कट नहीं करती हैं. दे मीट एट द टू एंड्स. और ये जाकर मीट करती हैं ये वाले एंड्स को. यहाँ पे सारी आके मिल जा रही हैं और यहाँ पे साउथ में सारी आके मिल जा रही हैं. तो ये मीटिंग पॉइंट है इनका. द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस इज एट द इक्वेटर. अब इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है वो हमको कहाँ पता चलता है, इक्वेटर में. As one moves from the equator and goes towards the poles, जबकि equator से मिलता है और फिर वो कौन सी direction में जाकर touch हो रहा है. The distance between any two meridians decreases. अब जितने भी इसके distance है वो जो poles की तरह आते आते हैं तो decrease हो जाते हैं, यानी कम 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 हो जाते हैं. नंबर ऑफ meridians, कितने numbers होते हैं meridians के, यानी ये लाइनों की संख्या क्या होती है. द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू ग्रीनविच. अब इनमें से जो प्राइम मेरिडियन होती है वो ग्रीनविच की तरफ पास करती है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रीनविच मेरिडियन. और इसी को ही हम कहते हैं ये रहा, ये जो लाइन है पास ऑन हो रही है. देखिए इसका नाम है ग्रीनविच. ये पास ऑन होकर इसे ही हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन या हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कह सकते हैं. इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर नंबरिंग द मेरिडियंस. और यही इसका स्टार्टिंग पॉइंट है क्योंकि ये बीचों बीच है इसीलिए. इट इज़ मार्क्ड एज जीरो. और इसे हम मार्क करते हैं जीरो डिग्री से. द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज मेजर्ड ईस्ट और वेस्ट ऑफ. अब इसी की वजह से ही हमको पता चलेगा कि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है या वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है.